सर्वोदय नमस्कार स्टूडेंट, आई अमित कुमार, गोइंग टू स्टार्ट यू विद 11th चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक व्हिच इज द सोलर सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सन, प्लैनेट्स, स्टार्स, कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स, मून्स एंड फेजेस ऑफ मून। इस चैप्टर में आप लोग सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, मून्स के बारे में पढ़ेंगे और फेजेस ऑफ मून्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग को पता है कि प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। द अर्थ रोटेट्स टुवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस, और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है, लेकिन रिवॉल्व वो सन के चारों तरफ करता है ना। तो द फर्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम एंड द फर्स्ट सब टॉपिक इज सन। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में पाया जाता है। इट इज एक्चुअली अ स्टार जस्ट लाइक ऑल द अदर स्टार्स व्हिच वी सी इन द स्काई एट नाइट। वो एक्चुअली एक स्टार्स है, जैसा कि हम लोग सारे स्टार्स को रात में देखते हैं, वो सन भी एक स्टार है जो कि अर्थ के करीब है। अर्थ के करीब है इसलिए हम लोग को वो अच्छे से अपीयर हो पाता है और हम लोग उसको अच्छे से देख पाते हैं। और जितने भी स्टार्स है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं। द सन इज वेरी हॉट। सन जो है वो बहुत गर्म है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, और हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत गर्म गैसेस का एक बड़ा सा गोला है। ऑल अदर स्टार्स आर ऑल्सो ह्यूज बॉल्स ऑफ एवरी हॉट गैसेस, और जितने भी स्टार्स हैं वो सब बड़े बड़े बॉल है, गर्म गैसेस के बड़े बड़े बॉल है जो हम लोग स्टार्स को रात में देखते हैं। वो छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हम लोग से बहुत ज्यादा दूर है, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। और सन हम लोग को इसलिए विजिबल है क्योंकि सन जो है वो अर्थ से उन स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत करीब है, है ना। नाउ द सनलाइट गिव्स अस हीट एंड लाइट। सनलाइट जो है हम लोग को हीट और लाइट देता है और एनर्जी देता है। हमें पता है कि हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, सनलाइट। विदाउट द हीट एंड लाइट ऑफ द सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। बिना सन के लाइट के हम लोग ना एनर्जी मिलेगा और ना लाइफ सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज प्लैनेट्स। अ प्लैनेट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ रॉक और गैस दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट वो है जो लार्ज बॉडी ऑफ बोला जाए तो लार्ज बॉडी ऑफ गैस एंड रॉक। लार्ज बॉडी ऑफ गैस एंड रॉक इज नोन एज प्लैनेट, जो पूरे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। द सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। सोलर सिस्टम के पास 8 प्लैनेट्स है अर्थ को मिला के, है ना। अंटिल रिसेंटली द सोलर सिस्टम हैड 9 प्लैनेट्स। कुछ साल पहले तक सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। एक छोटा सा प्लैनेट था जिसका नाम प्लूटो था, वो बहुत छोटा था, इस कारण उसे प्लैनेट से हटा के उसे ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। तो उसके बाद से हम लोग के सोलर सिस्टम में जो नंबर ऑफ प्लैनेट्स है वो टोटल 8 है। कौन कौन है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और सारे प्लैनेट का एक अलग खासियत है। मरकरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और जुपिटर जो है वो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है। नाउ प्लैनेट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑन देयर ओन। प्लैनेट का कोई अपना इकलौता लाइट नहीं होता। वो जो भी प्लैनेट में जो भी लाइट हम लोग देखते हैं वो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ सन है। सन के लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण प्लैनेट में लाइट रहता है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टार्स। स्टार्स क्या है, वी सी द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। हम लोग सन को देखते हैं कि सन जो है वो ब्राइटली चमकते रहता है दिन के टाइम में। एट नाइट वी सी थाउजेंड ऑफ अदर स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, और रात में देखते हैं कि जो थाउजेंड ऑफ स्टार्स जो है वो चमकते रहता है ना। स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। स्टार्स जो है स्काई में प्रेजेंट रहते हैं दिन के समय में। ड्यूरिंग द डे द ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी अदर स्टार्स। दिन के समय में ब्राइट लाइट जो है वो हम लोग को जो भी ब्राइट लाइट है
अगर रात के समय में अगर हम लोग देखना चाहें तो रात में आराम से स्टार्स दिख जाता है, लेकिन दिन के समय में नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि सन का ब्राइट लाइट के कारण हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं। एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वी आर एबल टू सी ऑल द स्टार्स, और जब रात में सन नहीं होता है उस समय हम लोग आराम से किसी भी सितारों को और स्टार्स को देख पाते हैं। नाउ कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स, कहा गया है कि एस्ट्रोनॉमर लोग ने खोज किया है कि जो स्टार्स है वो अपने ग्रुप में, अपने एक शेप में और अपने एक पैटर्न में पाए गए हैं। तो कुछ और उसी पैटर्न को हम लोग कंस्टेलेशन बोलते हैं। पैटर्न आर कॉल्ड कंस्टेलेशन। थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो सेलर्स एस्ट्रोनॉमर्स एंड फार्मर्स इमेजिन दैट दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म पैटर्न शेप इन द स्काई। हजारों साल पहले फार्मर एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो कोई शेप और पैटर्न मतलब बनाते हैं और उसी पैटर्न को हम लोग कंस्टेलेशन बोलते हैं। तो कुछ कंस्टेलेशन जो है वो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर पे डिपेंडेंट है, कुछ कंस्टेलेशन जो है वो एनिमल्स के स्केच पर, एनिमल्स का स्केच के अकॉर्डिंग बना है, कुछ जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग बना है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंस्टेलेशन का नाम दिया है। द फर्स्ट है ग्रेट बियर, सेकेंड वन इज ऑरियन द हंटर, एंड थर्ड वन इज ड्रैको द ड्रैगन। इन तीनों का पिक्चर भी आपके बुक में दिया है, आप लोग देख लें तो समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज मून। मून क्या है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, उसी तरह अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है ना। और पूरे मून को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने में 28 डेज का टाइम लगता है। कितने डेज का टाइम लगता है? 28 डेज का टाइम लगता है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ एंड हेंस लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इट। और अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं है, इसलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑन इट्स ओन। मून के पास कोई अपना उसका इकलौता लाइट नहीं होता है। मून भी जो साइन करता है वो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ सन। सन के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण मून जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून, वी कैन सी द मून इन द स्काई ओनली बिकॉज ऑफ द सनलाइट। हम लोग मून को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो जिस पोर्शन में मून के जिस पोर्शन में सनलाइट पड़ेगा उसी को हम लोग देख पाते हैं। तो इसीलिए है कि हम लोग जो 28 दिन में जो अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है उसी के कारण, और पोजीशन ऑफ अर्थ मून एंड सन के कारण हम लोग को जो मून जो है वो कभी कटा हुआ दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी आधा दिखता है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून, द चेंजिंग शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून विल बी कैन सी फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। जो चेंजिंग शेप और चेंजिंग शेप हम लोग मून का देखते हैं अर्थ से, उसी चीज को हम लोग फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। फेजेस ऑफ द मून डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू द सन एंड द अर्थ। फेजेस ऑफ द मून जो है वो पोजीशन ऑफ द मून पे डिपेंड करता है, किसके रिस्पेक्ट में? सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में। जिस पोर्शन में सन का लाइट मून पे पड़ेगा उसी पोर्शन में साइन होगा, मतलब वही मून का वही पार्ट साइन करेगा। Now the phases of the moon can broadly be divided into four parts. Phases of moon जो है वो चार parts में बटा है। First one is new moon. अमावस्या के रात में जो new moon होता है उसको हम new moon बोलते हैं, जो अर्थ से एकदम विजिबल नहीं होता, अर्थ से हम उसको नहीं देख पाते हैं। Second one is half moon. Half moon मतलब आधा चांद। आधा चांद, द मून अपीयर्स टू बी हाफ लिट अप फ्रॉम द अर्थ। जब हम लोग अर्थ से देखते हैं और चांद आधा दिखता है तो उसको हाफ मून बोलते हैं। नाउ थर्ड वन इज फुल मून। फुल मून, पूर्णिमा के दिन जो चांद निकलता है वो फुल मून होता है, जो पूरा मून दिखता है, यानी सन का पूरा लाइट मून पे मतलब रिफ्लेक्ट होता है, तब हम लोग को पूरा मून दिखता है। और फोर्थ वन इज क्रेसेंट मून। चौथा जो है वो क्रेसेंट मून है। वी कैन सी ओनली अ पार्ट ऑफ द मून विच इज लिटर। हम लोग बस उसी पार्ट को देख पाते हैं जिसपे सन का रोशनी पड़ता है और साइन करता है ना मून का। तो इसी अकॉर्डिंग फेजेस ऑफ मून जो है वो एक दूसरे से डिवाइडेड है। नाउ द चैप्टर इज एंडेड। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड डू द ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू सो मच। सर्वोदय नमस्कार।